खूबसूरत हसीन और दिलकश वादियों से घिरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड, जो सदियों से अपनी शांत सभ्य सादगी और संस्कृति को अपने में समेटे लोगों को रिझाता रहा है। तहजीब के इन्हीं ढेरों रंगों में आज अपने रंग रूप और वजूद को खोज रही हैं यहाँ की किशोरियां। हमें लड़ना नहीं किसी प्रतीक के लिए, किसी नाम के लिए, किसी बड़े प्रोग्राम के लिए। हमें लड़नी है एक छोटी सी लड़ाई, किशोरियों के लिए, उनकी बातों के लिए, किशोरियों के अस्तित्व के लिए, उनके सम्मान के लिए। उत्तराखंड किशोरियों के इसी सम्मान की लड़ाई को एक नई दशा और दिशा देने का काम कर रही है उत्तराखंड सेवा निधि। किशोरियों के स्कूल जाने के अलावा कई पारिवारिक, घरेलू और सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं, और इसमें हमको लगा कि अगर हम इनको संगठित करके जीवन कौशल का कार्यक्रम चलाएं तो उनका व्यक्तित्व निखर जाए और नेतृत्व की का विकास हो। इसको देखते हुए हमने कई गांवों में ये कार्यक्रम शुरू किया और बहुत सारे संगठन इसमें जुड़ गए। छुट्टियाँ पड़ी हैं और अभी थोड़ी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी और कुछ अच्छी चीज़ें सीख भी लेंगे वहाँ। फिर दादा ने मुझे बहुत उससे भेजा, मुझे मना कर लेते हैं दादा से। इंटर कॉलेज बहुत दूर, 12 किलोमीटर पैदल चल के चलना पड़ता था, रास्ते में जंगल था। 20 लड़कियों में से 2 लड़कियाँ पढ़ रही थी, तो उसके बाद फिर हम बहुत लड़कियाँ थी तब भी हमें भेज नहीं रहते स्कूल। उन घर वालों ने ऐसा कह दिया कि जंगल है, जंगल पड़ता है, शराब मिलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। जिस लोगों ने भी बात की हमारे घर वालों के साथ, और उसके बाद फिर मैंने भी बहुत बातें की उनके साथ, ऐसा नहीं हो, मैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता करके। उसके बाद फिर मम्मी ने भी पापा ने भी सहमत दी और उसके बाद फिर मेरा मतलब स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब हम अल्मोड़ा आने के लिए दीदी लोगों ने कहा तो हम बहुत खुश थे, लेकिन पापा को देख के बहुत डर रही थी। क्या आपको चुप रहना चाहिए कि बोलना चाहिए? क्यों, जब दादी कह रही है, ईजा कह रही है कि मत बोलो, तो उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, जब उनकी बातें अच्छी होती है उनकी इज्जत भी तो करनी चाहिए। अच्छा के साथ क्या अच्छा हुआ, क्या महसूस हुआ? तो आप ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी सहारे से जीना पसंद करेंगे या खुद से? कोई लड़का कुछ बोलता है तो उसकी हिम्मत करके मैं उससे मतलब उसका विरोध करती हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि समाज में होता है मेरे साथ नहीं होता है, हमारे समाज में अगर कोई छोटी जात का आदमी होता है तो उसे घृणा दृष्टि से देखा जाता है और उसके साथ बैठकर खाना पीना भी नहीं खाया जाता, उसे हर तरह से कोसा जाता है। पहाड़ पे पेड़ में टहनी में
पत्ते, टहनी में पत्ते, पत्तों में घोंसला, पत्तों में घोंसला, घोंसले में चिड़िया, घोंसले में चिड़िया, चिड़िया की चोंच, चिड़िया की चोंच, हम और किशोरियों के लिए गांव में रहते हुए आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, परंतु उसके निभरने के लिए मौके नहीं मिलते। तो इस कार्यक्रम द्वारा चाहते थे कि उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा एक मंच मिले जहां वो उनका क्षमता विकास होते हुए वे अपने खुद ही अपने दरवाजे खोल सके। मैं अपने गांव आई तब मुझे हमारे क्षेत्र के विधायक जी मिले, जो वहाँ भी मिले, दिल्ली में भी मिले, यहाँ सोमेश्वर के विधायक जी भी मिले। उन्होंने पेपर पर, जब अल्मोड़ा से मेरे पेपर पर छपी थी बाल वैज्ञानिक, अव्वल रहे भगवती और अन्य चार बॉयज और थे, फिर उनका नाम सुना। जब मैं अपने क्षेत्र पर आई तब उन्होंने मुझे बाल वैज्ञानिक करके पुकारा और मुझे बुलाया और इनाम भी दिया कोई सम्मेलन में। मेरे को उस पर, इस बात पर बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं या पढ़ के या किसी और क्षेत्र पे अन्य जाके। लेकिन ये बात बुरी लगी कि हमारे साथ घर वाले अन्य किसी और को क्यों भेजते हैं। मेरे बुआ पापा दोनों पीते हैं घर में, तो बुआ बार बार मम्मी को गाली देते हैं। वो अच्छा नहीं लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। नहीं लगता। क्या कैसा माहौल हो जाता है? डांटते हैं, मारते हैं। सारी जानकारियाँ मिली हैं जो आज तक हमें किताबी शिक्षा से नहीं मिली हैं। हमारे वहाँ दीदी आए तो हमने कहा ये क्या आ गया, कौन आ गया हमारे लिए आगे से, क्या है इसमें? तो उन्होंने हमें बताया कि ये किशोरियों का संगठन है, इसमें गुरुदित में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तुम्हें व्यवहारिक जीवन का पता चलेगा, तुम्हें जितना ज्ञान किताबों से नहीं उतना तुम्हें मिलेगा इसमें, तुम इस संगठन से जुड़ो। जैसा कि लड़कियाँ पीछे हटने की सोच रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि हमने ये नहीं कहना है कि एक लड़की बिगड़ गई उसकी वजह से सब उसको सुधारने की कोशिश करो। तो अगर उस चौराहे पर से हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं, अपना कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सब लड़कियों को इस समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए तुमको दबे पांव आगे बढ़ करके दिखाना पड़ेगा और पूरे समाज को बताना पड़ेगा कि हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हमने ये कार्यक्रम चलाए तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला गांव में और स्कूल में, जैसे अध्यापक और अभिभावक और गांव की अन्य महिलाओं की, हाँ इन किशोरियों के लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयुक्त है। इसको देखते हुए हमने कई गोष्ठियां, शिविर इत्यादि का आयोजन किया, जिसमें ये किशोरियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपनी बातों को प्रकट किया। और आज किशोरियों से मेरा ये है कि आपका दिन है, आज आपका सम्मेलन है, आप खुल के जो कार्यक्रम करना है कोई बंधन नहीं है, आप नाटक कर सकती हैं, आप गाना गा सकती हैं, आप बोल सकती हैं, आपको क्या लगता है अपने बारे में, किशोरियों के बारे में आपने क्या सीखा, आप स्वतंत्र हो के, किसी का दबाव नहीं है। मेरे दोस्त है, उसके हाथ का खाना सब खाती हूँ, मैं सब चीजों को नहीं मारती हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसी चीजों को न माने, अपने दोस्त सब बनाओ, कोई सी भी जाति की हो, आपको इसे बनाने में कुछ जगह नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है जब भी लड़की की शादी होती है तो ये कहा जाता है कि उसका कन्यादान होना है, क्या आपको लगता है कि लड़की के साथ कन्यादान शब्द का
प्रयोग करना आवश्यक है। इन एक लड़की का एक बेटी का अपना अस्तित्व होता है, चाहे वो औरत हो, लड़की हो या फिर कोई बच्ची हो। लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, ए मेरे भगवान बता दे लड़की क्या इंसान नहीं। जस तुम्हारा नाना पीना उस हमारा बोता, जस तुम्हारा नाना पीना उस बोता, नी काटो हमरो जंगल जंगल हो लो जंगल, जंगल हो लो वैसे की सांपाती पहाड़े की सांपाती गोगो की सांपाती। हमारे कार्यक्रम से बहुत अच्छा सीख ले तो वही हमारी व्यापकता है, वही एक गांव से एक बच्चा भी अगर आगे आता है तो हमारी उपलब्धि वही है। वो वक्त भी बदला था ये वक्त भी बदलेगा, सुबह का सूरज भी नवरंग में चमकेगा, ये फूल सभी के हैं थोड़े थोड़े सब लेना, ये फूल सभी के हैं थोड़े थोड़े सब लेना, हर रंग के फूलों से नव उपवन महकेगा। गांव में जो पुस्तक मेला हुआ था उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हम लोगों ने भाग लिया और अधिक से अधिक किशोरियों ने, हमारे यहाँ पिछली बार भी कितने बार किशोरी गोष्ठियाँ हुई हैं, उसमें सभी गोष्ठियों में हमने अधिक से अधिक किशोरी शिविर कराने की कोशिश की है। मेरे साथ ही अपराष्ट ग्राम दनिया की एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे बैडमिंटन खेलने नहीं जाने देती थी और कहती थी तुम लड़की हो लड़की की तरह रहो। उसने कहा मैं चोरी छिपे बैडमिंटन खेलने जाती थी, बैडमिंटन का प्रतियोगिता हुई उसमें मैंने प्रथम स्थान ग्रहण किया। पहले तो अपने माता पिता से कुछ नहीं कह सकते थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, जब से हम किशोरी संगठन में जुड़े अब हम अपने हिस्से के लिए जरूर लड़ेंगे। ये सभी लड़कियाँ पढ़ लिख नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि किसी का स्कूल दूर हो जाता है, किसी के घर वाले बोलते हैं कि नहीं तू लड़की है तुझे तो स्कूल जाना ही चाहिए, क्या करना है स्कूल जाके बस घास तो काटना है, पढ़ लिखी लड़कियाँ भी वही करेंगी जो तुम करोगे, तुम भी घास काटोगी और पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी घास काटोगी, आखिर क्यों होता है ऐसे एक लड़की के साथ। कितनी लड़कियां हैं ऐसी होंगी जो आने के लिए जिन्होंने अपने राह से कहा होगा तो कितनों के लिए मना भी करा होगा कि रात को अगर हम 7 बजे से पहले हम लोग कहीं घर के बाहर जाए तो हमें अंदर नहीं आने दिया जाता, कितनी बातें नहीं जाती हैं, देखो तो ये कोई लड़की है कोई ढंग है इसका, देखो तो इसको 7 बज रहे हैं घर के और ये अब घर के अंदर आ रही है। मम्मी कहती भी है तो उसको अच्छी तरह से समझाओ, मम्मी का विश्वास सिर्फ मत तोड़ना, जमाना भी खराब हुआ है तो अपने दिल के लिए नहीं है वो, अपना हाथ में ऐसा कुछ ये जो भी है ये अपने को समझदारी होनी चाहिए कि बेटी ने या लड़की हो या लड़का हो उसमें भेदभाव बदलना नहीं है और बेटी ने अपनी मम्मी का विश्वास तोड़ना नहीं है। उनको भी हम पे विश्वास देंगे, हम उनके विश्वास कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, उनको भी तो विश्वास चाहिए, हाँ यार मेरी बच्ची कुछ करने जा रही है अपने भले के लिए कर रही है, हाँ हमारा नाम कमाने के लिए जा रही है, अच्छे के लिए ही जा रही होगी, अगर उनको ही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है तो बाकी बाहर आपको कहाँ से विश्वास आएगा, क्यों विश्वास आएगा, कैसे विश्वास आएगा। जैसे मैंने पहली बार मैं अल्मोड़ा गई, मेरे से किसी ने मना नहीं किया, मैंने मम्मी को भी समझाया अपने घर वालों को भी समझाया, जब मैं उनका दिल भी जीती तो वो मुझे कहीं नहीं देती क्योंकि मैंने उनको विश्वास दिया, उन्हें भी विश्वास है, वो भी देखते हैं मेरा रहन सहन उठना बैठना बोलना सब कुछ देखते हैं, इसीलिए कहीं जाने के लिए भी मना नहीं करते हैं। जब से मतलब संगठन बना रखे हैं हम लोगों ने तब से वो अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, खान पान पर ध्यान दे रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है।
जब से संगठन बना तो झिझक दूर हुई है मेरी। ये किशोरी संगठन बनाया तब हमारे गांव में बहुत एकता हुई है इससे।